गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम ब्रजेश सिंह चौहान योर इंग्लिश टीचर टूडेज लेसन इज़ फॉर क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और हम लोग चैप्टर टेन को कर रहे थे जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस रिटर्न बाई ऑस्कर वाइल्ड एंड वी हैव कम्प्लीटेड टिल पेज नंबर सेवन सो लेट्स बिगिन विद द पेज नंबर एट दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन अब थोड़ा सा पीछे से देखना होगा देन स्वेलो फ्ल्यू बैक टू दैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन इट इज क्यूरियस हिम रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वाम नाउ ऑल दो इट इज सो कोल्ड जब स्वैलो पक्षी जो हैप्पी प्रिंस का काम करके वापस उसके पास लौट आता है राइट right? और वो क्या बोलता है इट इज ऑल दो इट इज सो कोल्ड आउटसाइड माना कि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर लेकिन मैं तो काफ़ी गर्म महसूस कर रहा हूँ अभी नाउ मीन्स अभी डैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस और हैप्पी प्रिंस कहता है कि ऐसा इसलिए तुम गर्म इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है नेक कार्य किया गुड एक्शन का अर्थ है अच्छा काम परोपकार जिसको कहते हैं एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन ही फेल अ स्लिप थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लिपी और उसके बाद जो छोटा स्वेलो है सोने की तैयारी करने लगता है बिगैन टू थिंक थिंक मतलब सोचने की सोचना शुरू करता है और ऐसे करके उसे नींद आ जाती है थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी और ऐसा स्वेलो पक्षी इसलिए करता है क्योंकि जब भी वो किसी बात पे सोचता है ना तो उसे नींद अच्छी आ जाती है नींद आने के पहले वो सोचता है राइट वेन डे ब्रोक ही फ्लिव डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ वाट आर रिमार्केबल फेनोमेन सेट द प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ़ यू नो कहेंगे ब्रांच ऑफ एनिमल हजबेंड्री और यू कैन से ब्रांच ऑफ जुलोजी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स पक्षी अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं और उसी नदी के पास से एक प्रोफेसर जो हैं पक्षी विशेषज्ञ जो हैं उसके प्रोफेसर हैं वो पक्षी विज्ञान के और वो वहाँ से गुजर रहे हैं राइट और उन्होंने वेन द डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड एड अ बाथ और जब दिन खिला अगले दिन उन्होंने वो नदी में गए और नदी में उन्होंने स्नान किया और फिर उन्होंने कहा वाटर रिमार्केबल फिनोमिन रिमार्केबल का अर्थ है कितना इनक्रेडिबल राइट फेनोमेना नहीं है नदी में नहाना एज ही वॉज पासिंग ओवर द ब्रिज और वो उस समय उस ब्रिज से गुजर रहे थे तब उन्होंने ऐसा किया ए स्वैलो इन द विंटर एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज पेपर और उसी क्षण उसी समय वो जो पक्षी विशेषज्ञ हैं जो प्रोफेसर हैं पक्षी विज्ञान के उन्होंने उस नदी के आसपास स्वैलो को देखा मौसम कैसा था ऋतु कौन सी चल रही थी ठंड की रितु थी विंटर सीजन था और उनको आश्चर्य हुआ विंटर सीज़न में वहाँ कोई भी स्वैलो पक्षी नहीं होता तो वहाँ एक स्वैलो पक्षी को देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो पक्षी विज्ञान के प्रोफेसर हैं तो वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये स्वयलव पक्षी के आने का मौसम नहीं है तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा चौड़ा लेटर लिखा लोकल न्यूज़पेपर को एवरी वन कोटेड इट और सब लोगों ने उस पर कमेंट्स किए इट वॉज़ फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड और वो इतने सारे उस पर कॉमेंट्स आए लोगों के दर, रीडर्स के पाठक लोगों के जो पाठक उनको कहते हैं जो अखबार पढ़ते हैं पाठक गण के इतने सारे कॉमेंट्स आए कि वो फाइनली क्या हुआ कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि उन्होंने किस बात की तरफ इशारा किया था टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेट द स्वेलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोन्यूमेंट्स एंड सैट एट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च टीपल और सवालो कह रहा है कि रात में मैं इजिप्ट चला जाता हूँ और ही वॉज़ इन हाई स्पिरिट और उस समय वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था मतलब उसका जो आ, कॉन्फिडेंस है उसका जो आत्मविश्वास है उसका जो जोश है बहुत ही ऊंचे स्तर पे था हाई स्पिरिट्स का अर्थ है और वो वहाँ पे जितने भी पब्लिक मोन्यूमेंट्स थे जितने भी भवन थे सरकारी भवन उन सबको वो विजिट कर लेता है सैलो और अंततः जा कर के चर्च के एक बड़े से टावर पे वो लॉन्ग टाइम सैट ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए बैठता है वहाँ पर वेरेवर ही वेंट द स्पैरोज चिरप्ट एंड सेट टू ईच अदर वॉट आर डिस्टिंगस्ट स्ट्रेंजर सो ही इन्जॉयड हिमसेल्फ वेरी मच और जहाँ कहीं भी वो उड़ के जाता मतलब अलग अलग पब्लिक मोनूमेंट्स की जो बिल्डिंग हैं उन सब पे वो विज़िट किया फिर फाइनली जा कर वो चर्च के टावर पर बैठा तो जहाँ कहीं भी वो गया सभी जगह उन उसको स्पैरो पक्षी मिली स्पैरो जानते हैं जिसको आप गौरैया कहते हैं इंडिया में भी पाया जाता है ये पक्षी और वहाँ जो स्पैरो थी सब लोगों ने उस लिटिल स्पैरो लिटिल स्वैलो को देख करके यही प्रतिक्रिया दी कि वाट आर डिस्टिंग स्ट्रेंजर कितना विशेष स्ट्रेंजर है स्ट्रेंजर का अर्थ जानते हैं आप अजनबी कितना विशेष अजनबी अलग अजनबी है और ऐसा सुनने के बाद ऐसा सुनना लिटिल स्वैलो को बहुत अच्छा लगा अपने बारे में ही एन्जॉयड हिमसेल्फ वेरी मच और वो बहुत ही एन्जॉय किया उस पब्लिक मोन्यमेंट्स पे उस चर्च पे लंबे समय तक बैठना वेन द मून रोज़ ही फ्ल्यू बैक टू दैप्पी प्रिंस हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग और जब चाँद खिल गया आसमान में जब मतलब संध्या हो गई जब रात हो गया तो फिर वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास जाता हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पास और पूछता क्या है क्या तुम्हारे पास कोई कमीशन है इजिप्ट के लिए इजिप्ट जाने के लिए कोई कमीशन है उसने ऐसा पूछा आई एम जस्ट स्टार्टिंग क्योंकि मैं अभी से शुरू हूँ uh, मैं अभी इजिप्ट जाने वाला हूँ राइट आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट टमोरो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई अप टू द सेकेंड कैटारेक्ट द रिवर हॉर्स काउचेज देयर अमंग द बलरसेस एंड ऑन ए ग्रेट ग्रानाइट थ्रोन सिट्स द गोल्ड मेमन अब बोल रहा है कि मैं इजिप्ट जाने के लिए काफ़ी प्रतीक्षा कर चुका हूँ ऑलरेडी सोएलो टमोरो कल आने वाला जो कल है कल मेरे जो मित्र हैं वो उड़ करके कहाँ जाएंगे सेकेंड कैटारेक्ट टू द सेकेंड कैटारेक्ट इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस मतलब आज वो इजिप्ट में रुकेंगे अब वो कहाँ चले जाएँगे सेकेंड कैटारेक्ट द रिवर्स हॉर्स द रिवर हॉर्स काउचेज देयर अमंग द बलरसेस रिवर हॉर्स का अर्थ है काउचेज देअर अमंग द बल रसेज एंड ऑन ए ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन सिट्स द गॉड मेमन वहाँ की मतलब डिस्क्रिप्शन बता रहा है सवालो कि वहाँ पे जो है नदी है राइट और वहाँ पे गॉड मेमन वहाँ के जो ईश्वर हैं गॉड मेमन उनकी एक विशाल जो सिंहासन है वो ग्रेनाइट के भव्य ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन भव्य ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए सिंहासन पे वहाँ के जो ईश्वर हैं मेमोन वो उनको बैठाया गया है राइट रिवर हॉर्स काउचेज वहाँ भी एक रिवर है राइट और वो जो रिवर है नदी है काउचेज का अर्थ क्या है सी ओ यू सी एच ई एस काउच का अर्थ होता है छिपा रहना राइट छिपा रहना को क्या कहते हैं हिडन जिसको कहते हैं और वहाँ पे जो नदी है वो एक हॉर्स की तरह जो है रिवर हॉर्स राइट एक ऐसा हॉर्स है जो रिवर के आसपास दिखाई जा देता है जो कि वहाँ की झाड़ियों में छिपा हुआ दिखाई दे सकता है

चिल्लाता है एंड देन ही इज़ साइलेंट उसके बाद चुप हो जाता है एट नून द येलो लायंस कम डाउन टू वाटर्स एज टू ड्रिंक और दिन में दोपहरी में जो पीले पीले जो शेड हैं पीले कलर के मतलब उनकी बॉडी पे जो जो हेयर्स हैं वो येलो हैं राइट वो दिन में पानी पीने आते हैं नदी नदी में वहाँ पे जो नदी है वहाँ पे पानी पीने आते हैं दे हैव आइज लाइक ग्रीन बेरल बेराइल्स राइट उनकी जो आंखें हैं हरे रंग की है राइट ग्रीन बियर आइल्स बियर आइल्स का अर्थ क्या है बियर आइल्स का अर्थ है जो चमकदार आंखें हैं राइट right? जो दूर से ही चमकती हैं शाइन करती हैं तो उनकी जो आंखें हैं लहसुन की तरह बियर आइस का अर्थ होता है लहसुनिया लाइक एंड देयर रोर इज़ लाउडर देन द रोर ऑफ द कैटारेक्ट और जो रोर है उनका जो उनकी गर्जना है जो वो शेर गरजते हैं उनकी जो गर्जना है वो कैटारेक्ट के गर्जन से कहीं ज़्यादा क्या है लाउडर है कैटारेक्ट सी ए टी ए आर ए सी टी कैटारेक्ट का अर्थ क्या है अब कैटारेक्ट का तो एक मीनिंग होता है मोतिया बिंद लेकिन यहाँ पे मोतिया बिंद नहीं है महाजलप्रपात जो हैवी वाटरफॉल होता है महाजलप्रपात को कैटारेक्ट कहते हैं तो वहाँ पे जो झरना गिर रहा है उससे जो नदी बनी है तो झरने का जो आवाज़ आ रहा है झरने झरने से जब पानी ऊँचाई से गिरती है तो एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है एक झरने की निरंतर जो है ध्वनि बनती रहती है तो उसकी जो गर्जना है उस महाजल प्रपात की हैवी वाटरफॉल की झरने की विशालकाय झरने की उससे भी ज़्यादा गर्जना किन की लाउडर है उन शेरों का जो वहाँ पानी पीने आते हैं स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस और प्रिंस ने क्या चिलाया प्रिंस फिर से बोलता है स्वेलो स्वेलो छोटी स्वेलो फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अंग मैन इन अ गैरेट

ऐसा बोल करके छोटी स्वेलो फार अवे अक्रॉस द सिटी इस शहर के उस छोर पे अक्रॉस द सिटी मतलब अक्रॉस का अर्थ होता है इस छोर से उस छोर शहर के दूसरे किनारे किनारे पर यहाँ से काफ़ी दूर मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ इन अ गैरेट जी ए डबल आर ई टी गैरट का अर्थ क्या होता है अटारी राइट गैरेट का मीनिंग क्या है अटारी फ्लोर कंसिस्टिंग ऑफ ओपन स्पेस एट द टॉप ऑफ ए हाउस जस्ट बिलो द रूफ ऑफ एन यूज फॉर स्टोरेज गैरट कहते हैं जिसको आप कह सकते हो पोर्च तो गैरेट पर वो यंग एक यंग मैन को देखता है एंड ही इज लीनिंग ओवर अवर्ड विथ पेपर्स एक डेस्क पे वो क्या कर रहा है लीन कर रहा है झुक के देखा जा सकता है उस डेस्क पे बहुत सारे पेपर बिखरे पड़े हैं कवर्ड है covered, पेपर्स बहुत सारे रखे हुए हैं पन्ने हैं इन टम्बलर बाई साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ट वॉयलेट्स और वॉयलेट्स का अर्थ है यहां पे अंगूर की बात हो रही है वॉयलेट कलर की अंगूर होती है ना उसकी बात हो रही है वी आई ओ एल ई -E टी एस वॉयलेट्स एक प्रकार का फूल राइट वॉयलेट्स को फूल कहेंगे फल नहीं है ये अंगूर नहीं है सॉरी आपने एक पोयम पढ़ा होगा बचपन में रोजेज़ आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू एंड सुगर इज स्वीट एंड so आर यू तो यहाँ वॉयलेट्स इज़ अ फ्लावर तो टम्बलर समझते हो एक बड़ा सा तगाड़ी जिसको कहते हैं बड़ा सा एक टम्बलर है जो उसके बगल में रखी हुई है और उस टम्बलर में वॉयलेट्स फूल के बहुत सारे गुच्छे भरे हुए पड़े हैं हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प और उसके जो बाल हैं वो ब्राउन पड़ गए हैं क्रिस्प हैं उसके जो लिप्स हैं अनार की तरह लाल है पोमी ग्रेनेट का अर्थ क्या होता है अनार एज रेड एज अ पोमी ग्रेनेट एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़ और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं उसकी आंखों में देख के लगता है कि उसकी आंखों में कोई स्वप्न है ड्रीमी आइज़ ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर और वो एक प्ले को लिखना चाहता है अपने डायरेक्टर के लिए उसका जो डायरेक्टर है ही ज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर और वो कोई नाटक होने वाला है उस नाटक के लिए वो क्या करना चाहता है प्ले लिखना चाहता है लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है बाहर राइट और वो ओपन स्पेस में बैठा ही है गैरेट में तो इतनी ज्यादा ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा है राइट ही कुड नॉट राइट देर इज नो फायर इन द ग्रेट और उसकी जो ग्रेट है ग्रेट आप जानते हैं ना एक तरह का ऐसा जगह फायर प्लेस को कहते हैं जहाँ पे हम लकड़ियाँ जलाते हैं ठंड के मौसम में बचाव के लिए गर्मी के लिए और उसका जो ग्रेट है बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पे कोई आग नहीं है एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट और जो भूख जो है हंगर का अर्थ क्या है फेंट हंगर का अर्थ क्या है भूख एच यू एन जी ई आर हंगरी एक एडजेक्टिव है हंगर इज़ अ नाउन हंगर का अर्थ है भूख हंगरी का अर्थ है भूखा और वो खाना भी नहीं खाया है बहुत भूखा है और उसकी भूख ने उसको मूर्छित कर दिया है फेंट मतलब वो बेहोश हो गया है ठंड के मारे भूख के मारे आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो और ऐसा सुन करके स्वैलो क्या डिसाइड करता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा हु रियली हैड अ गुड हर्ट तुम्हारे साथ इसलिए रुकूंगा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका दिल बहुत अच्छा है शैल आई टेक हिम अनदर रूबी और बोलता है क्या स्वेलो कि मुझे दूसरी रूबी उसको जाके दे देना चाहिए अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस अब रूबी स्टोन जो है वो एक ही था और वो किस में था हैंडल में था सोर्ड तलवार के हैंडल में था उस रूबी स्टोन को वो जा के उस पुअर मदर को जा जाके दे चुका ऑलरेडी स्वेलो जिसका बेटा जो है बुखार में तड़प रहा था अब उसके पास कोई रूबी नहीं बची है तो वही प्रिंस बोल रहा है अला साव नो रूबी नाउ माई आज माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया ए थाउजेंड ई ईयर्स अ अब मेरी आँखें ही सिर्फ बची है जो मेरे पास है अब मेरे पास बस मेरी आँखें बची हैं और वो रेयर सफ़ायर्स मतलब ऐसे सफ़ायर एक तरह का ऐसा स्टोन है जो बहुत कॉस्टली होता है और वो स्टैचूज़ में आँखों की जगह यूज़ किया जाता है तो रेयर सफ़ायर्स का मर्थ अर्थ है कि रेयर का अर्थ है जो गिने चुने स्टोन्स होते हैं गिने चुने सफ़ायर्स होते हैं उनमें से मतलब कॉस्टली है बहुत ही ज़्यादा विच वर ग्रॉथ आउट ऑफ इंडिया जो हज़ारों साल पहले भारत के बाहर से मंगाए गए हैं ये बहुत ही रेयर सफ़ायर है स्पेशल है pluck आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फूड एंड firewood to टू फिनिश हिज प्ले और वो क्या बोलता है कि इन दोनों आँखों में से एक सफ़ायर निकाल लो एक आँख निकाल लो मेरी और जाके उसको दे दो वो किसी सुनार को ज्वेलर को इसको बेच के और कुछ अपने लिए खाना और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा और इस तरह इस तरह वो अपने नाटक को कंप्लीट तो कर पाएगा समाप्त तो कर पाएगा डियर प्रिंस सेट द स्वेलो आई कैन नॉट डू डैट एंड ही बिगैन टू विप और वो बोलता है प्रिय प्रिंस प्रिय राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता कौन बोलता है स्वैलो मैं ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा कहने के बाद लिटिल स्वेलो जो है रोना शुरू कर देता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस और प्रिंस भी भावुक होकर के आवाज़ लगाता है स्वेलो स्वेलो प्यारे छोटे स्वेलो डू एज आई कमांड यू मैं जैसा आदेश करता हूँ तुम वैसा करो सो द स्वैलो प्लगड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्ल्यू अवे टू द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स गैरट और ऐसा सुनते ही स्वैलो जो है उसकी आँखों में से एक सफायर स्टोन को प्लग करता है बाहर निकालता है और वो फिर से स्टूडेंट विद्यार्थी गैरट स्टूडेंट करते हैं विद्यार्थी जो स्टूडेंट लोगों का जो इलाका था वहाँ पे जो गैरेट थी जहाँ पे वो यंग मैन या दैट वाज़ अ यंग मैन या दैट अ यंग मैन उस यंग मैन के पास उड़ के चला जाता है इट वाज़ इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वाज़ अ होल इन द रूफ और वो बोलता है चूँकि छत में एक रूफ है सॉरी रूफ में एक छेद है होल का अर्थ है छिद्र तो यहाँ पहुँचने में मुझे काफ़ी आसानी हुई मैं बहुत आसानी से पहुँच गया क्योंकि छत में एक छेद है तो मैं डायरेक्ट उस होल से एंटर हो गया उस घर में थ्रू दिस ही डाटेड एंड केम इन टू द रूम द यंग मैन हैड हीज़ हेड ब्यू रीड इन हीज़ हैंड्स सो ही डिड नाट हीयर फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग और यंग मैन जो है वो अपने हाथ में अपने सर को रख के मतलब हेड डाउन करके एकदम ऐसा लग रहा है कि ब्यूरीड हो गया है जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जम गया हो ठंड में राइट right? वो मूर्छित हो रखा है और जब स्वालो वहाँ पहुँचता है तो उसकी विंग्स ही विंग्स की जो आवाज़ हो रही है फ्लटर्स को वो सुन करके भी वो जग नहीं पाता ही डिड नॉट हियर मतलब उस लिटिल uh, स्वैलो के पंख की उड़ने की पंख से उड़ने की आवाज़ को भी वो नहीं सुन पाता इतना वो मूर्छित है वेन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स और लिटिल स्वालो उस सफ़ायर को वहीं रख के फिर वहाँ से उड़ जाता है और जब वो जगता है जब मतलब जब वो अपनी वास्तविक अवस्था में आता है मूर्छित से जब वो होश में आता है तो वो क्या देखता है कि विदर्ड वॉयलेट्स जो वॉयलेट्स फूल हैं उनमें एक ब्यूटीफुल सफ़ायर एक खूबसूरत सफ़ायर पत्थर जो है पड़ा हुआ है उसमें राइट तो बच्चों आई होप आप सबको समझ आया होगा एक बार नहीं समझ आया तो दो दूसरी बार वीडियो को देखिए थैंक यू अगले वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी को कवर करेंगे थैंक यू